हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज है संडे, तो मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ गाइस। तो मुझे जाना है सिलचर। तो क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और सब आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो बहन मुझे छोड़ने के लिए आई है। मैं जब भी किसी जगह में जाती हूँ तो बहन मुझे छोड़ने के लिए आती है। तो वो खेलने में थी, जब उसको पता चला कि मैं निकल रही हूँ, वो दौड़ कर आई है मुझे छोड़ कर देने के लिए। तो वो हर वक्त ही मुझे छोड़ कर देती है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सिलचर में और अभी आए हैं गांधी पार्क पर। और क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं वो देखने के लिए। वीडियो तो पूरा फुल देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और फुल वीडियो देखना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो हम टिकट काउंटर में घुसे, टिकट लिया, 30 रुपये है टिकट। तो टिकट लिया, उसके बाद में अंदर में घुसे। तो फ्रेंड्स घुसते ही बहुत ही प्यारा प्यारा सा व्यू दिखाई दे रहा है। तो पार्क है तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया सा। और किसके साथ आए हैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा लेते हैं। ये है मेरा फ्रेंड्स, बचपन का फ्रेंड्स है, उसको कुछ गलत मतलब ना निकाले फ्रेंड्स, वो मेरा फ्रेंड है। और ऐसा कोई बात नहीं है जो पार्क में आना है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आना है, फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं। तो मैं आई हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। तो काफ़ी दिनों से मैं इसको बोल रही होती पार्क में जाना है, घूमने जाना है और वीडियो भी बनाना है। तो उसने कहा कि अगर ठीक है, अगर तू आ सकती है तो बोलना, मैं तुझे लेने के लिए जाऊंगी और हम भी जाकर घूम के आएंगे। तो फ्रेंड के साथ आए हैं फ्रेंड्स, हम भी पार्क का आनंद उठाते हैं और आप भी उठाइए फ्रेंड्स। घूमना हो गया है फ्रेंड्स, तभी हम पार्क को बाय बाय करके निकल जा रहे हैं। उसके बाद में गला बहुत ही सूख गया था पार्क में घूम घूम के, तो उसको मिला था कुल्फ़ी। बहुत दिनों के बाद हमें कुल्फ़ी मिला है, तो हम दोनों ने मिलकर खाए हैं कुल्फ़ी। और उसका भी बचपन का याद आ गया, मेरा भी बचपन का याद आ गया। तो वो भी बचपन का बात कर रहा था, मैं भी कर रही थी। तो बचपन की बातें करते करते बारिश भी आ गया था फ्रेंड्स। और जिस दुकान में जाकर मुझे चीज़ लेना था वो कैसे लेंगे वो भी हम बात कर रहे थे। और बात करते करते आइसक्रीम का मज़ा ले रहे थे। उसके बाद में बहुत टाइम में वेट किया, वो भी फ़ोन में बिजी हो गया था, किसके साथ वो बात कर रहा है। तो उसके बाद में हम बहुत सारे टाइम में वेट किए बारिश के लिए, उसके लिए उसके बाद में जो चीज़ लेना था वो ले लिया है। उसके बाद में बारिश नहीं रुक रहा था तो सोचा हम लोग विशाल नहीं सॉरी गाइस बिग बाज़ार से घूम कर आते हैं, तब तो बारिश भी कम जाएगा तो हम निकल जाएंगे। उसके बाद में हम आए हैं बिग बाज़ार में। और बिग बाज़ार में आते ही हम लोगों का घूमना हो गया था शुरू। तो सोचे चारों ओर घूम जाते हैं, अगर कुछ खाना है तो खाएंगे और कुछ लेना है तो लेंगे। तो गाइस हम शॉपिंग करने तो नहीं आए हैं, आए हैं कुछ सामान लेने, मेरा केक का सामान लेने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। तो सोचा घूम कर जाते हैं। और गाइस यकीन मानिए, एक दुकान में गए थे और इसमें बहुत सारे बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया गया है, शायद इसमें कुछ पार्टी वगैरह चल रहे थे इसलिए, और बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट किया गया है। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करें, बहुत ही अच्छा लगा ये डेकोरेट। उसके बाद में ये है बच्चे लोगों का खिलौना, बच्चे लोगों का खेलने का सामान, और छोटा बच्चा बहुत प्यारा से खेल रहा था, बहुत ही। तो फ्रेंड्स घूमते घूमते लग गया था भूख, तो हम लोग आए हैं होटल में। तो चलो इसमें देखते हैं मेनू कार्ड में क्या क्या है और क्या क्या मेनू मिलता है। और
और मेनू कार्ड देखते देखते सोच रहे थे क्या खाऊं, तो मैंने जो डिसाइड किया उसने कहा कि नहीं उसके खाना है परोठा, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है तो हम भी खा लेते हैं परोठा, नॉर्मल कुछ खाना खाते हैं। उसके बाद में ऑर्डर किया और हमारा खाना आ गया था। उसके बाद में हम खाना कर रहे थे शुरू। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।